लेकिन किरण जी ये बताएं, निफ्टी पर आज क्लोजिंग के लिहाज से क्या लेवल अहम है, किसके ऊपर क्लोज हो तो आप कहेंगे कि अभी तक हम सेफ हैं, घबराने की जरूरत नहीं? 9170 आज सवेरे मॉर्निंग कॉल में भी मैंने यही लेवल कही थी। 9170 बहुत अहम है, अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस बहुत वोलेटिलिटी दिखेगी। 9170 ऑन द लोअर साइड एंड 9250 ऑन द हायर साइड, ये बैंड रहेगा। इसके ऊपर नीचे एक ट्रेंड डिसाइसिव मूव आएगी, उसके बीच में हमें चॉपीनेस देखने को मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है कि चॉपीनेस आनी चाहिए। अगर चॉपीनेस आती है तो वीकर सेक्शन है वो निकल जाएगा, स्ट्रॉन्गर सेक्शन एंटर करेगा। और जैसे अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे कि नीचे से बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ बढ़ने वाले शेयर्स बहुत ज्यादा है, तो ये सब हमें पता चल रहा है कि नीचे से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो 9250 के ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा, पर सपोर्ट्स के तौर पे 9170 देखने का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अच्छा ये बताइए, ये सब लोगों का 9170 ही क्यों आ रहा है स्टॉप लॉस के, ऐसा क्या है 9170 में? अनिल जी, जब ये स्टॉक, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो बहुत बार 9170 को रेजिस्टेंस ले रहा था, और ये अगर जब निकला तो बहुत बड़ी गैप से निकला था। तो ये जो गैप फॉर्मेशन है 6-7 दिन पहले वाला, वो गैप बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। ऊपर में क्या हुआ, 2-3 बार एक हैमर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले थे, इन्हीं लेवल से एक अच्छी पुलबैक हमें देखने को मिली थी। तो इन ऑल 9170 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। ओके okay.